और आज हम बात करेंगे हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड। अब इनर चाइल्ड होता क्या है? हमने देखा होगा, हम बचपन से ही बड़े होते हैं, तब तक चाहे कितनी भी हमारी लंबी उम्र हो जाए, कितनी भी उम्र के हम हो जाएं, तो हम बचपन को ही जीते रहते हैं। जो हमने बचपन में खाना खाया होता है वो ही हम बड़े होने तक हमें वही पसंद आता है। हम हर चीज़ बचपन में हमने ऐसा देखा था, हम ऐसे करते थे, ये हमारे घर में होता था, और ये हम बचपन से लेके कितनी भी उम्र हो जाए वो ही बचपन को हम जीते रहते हैं। क्यों नहीं हम बचपन की उन खराब यादों को छोड़ जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है? और अगर हमें किसी ने क्रिटिसाइज़ किया होता है या हमें कोई डर दिखाया होता है, वो क्रिटिसिज्म हम अपने लिए बना लेते हैं और दूसरों की नज़र से अपने आप को जीवन भर देखते रहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि हम सेल्फ क्रिटिसाइज़ करें? क्या ये सही है कि हम अपने आप को हमेशा गलत नज़र से देखें? क्योंकि जब हमें कोई चीज़ बोली गई थी वो हो सकता है उसका कोई मीनिंग ही ना हो, ऐसे ही किसी ने बोल दिया हो, या तब उसकी वैल्यू हो और आज उसकी कोई वैल्यू ना हो। तो उसके लिए हमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम अपने सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचें, अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करें, अपने आप में कमियाँ ना निकालें। जब हम अपने इनर चाइल्ड को, हमारे अंदर के जो हमारे अंदर एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे जैसा भी वो है, उसको प्यार देंगे, समझेंगे उसको, तो हमारी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पर ये क्या आसान है? हाँ, ये बिल्कुल आसान है कि हमें अपने इनर चाइल्ड के साथ, हमारे अंदर जो एक बच्चा छिपा हुआ है छोटा सा, उसको बहुत प्यार करें, उसकी सारी, उसको ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहा है, और उसकी जब उसकी हर इच्छा को पूरी करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जल्दी ही इससे बाहर निकल आएंगे और अपने आप को, हम जैसे हैं, कंप्लीट हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करें, और फिर हम दुनिया के चैलेंजेस को फेस करें बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही मुस्कुराहट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।